ओए इधर तो मेरे ख्याल में सारे मुर्गे ही हैं यार। इतना मैंने जाना है कोर तरफ भी, जल्दी करो। और भाई यार क्या कर रहे हो यार, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। ये जो दिस मीन कोक एंड ओके दिस कोकर असील, यू नो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जी एम तैमूर आबिद। चले जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। भैया अभी यार मैंने जाना था मुर्गियाँ देखने, मुर्गियाँ लेनी हैं, तो मैंने ना जिया भाई हैं एक, उन्होंने लेनी थी, तो मैंने कहा आप मेरे साथ आ जाओ, तो दोनों मिल के चलते हैं तो ले आते हैं। तो वो भी आए बैठे हैं भाई साहब, तो उनके साथ चलते हैं जी। तो भाई साहब ये ज़िया भाई हैं जी, आ चुके हैं साथ हैं जी इमरान भाई। तो अभी हम जा रहे हैं जी मुर्गियां देखने, पसंद आ गई तो भाई साहब जी हम लोग ले लेंगे मुर्गियां। चलो जी इमरान भाई चलते हैं जी। तो यार अभी हम लोग पहुँचे हैं फार्म पर जहाँ पर होती हैं मुर्गियां, तो अभी चलते हैं मुर्गियाँ दिखाते हैं आपको जी। भाई साहब ये देखें जी मुर्गियाँ अंदर, माशाल्लाह बड़ी हैवी किस्म की मुर्गियाँ, बड़ी बड़ी अंडों वाली। सर्दी आ रही हैं तो हम देखने आए हैं यार मुर्गियाँ, सर्दियाँ आ रही हैं लेनी है, लेंगे यार घर रखेंगे, अंडे शंडे खाएंगे। मानी भाई आप लोगों ने ले लिया ना, देखते हैं यार अभी कौन सी पसंद आती हैं। इधर मुर्गियाँ मैंने तभी देखी, इस साइड पर भी मुर्गियाँ हैं, तो ये भी देखते हैं जी। ओए हो इधर तो मेरे ख्याल में सारे मुर्गे ही हैं यार। ओए हो भाई साहब तबाही है, इधर मुर्गियाँ कम हैं, मुर्गे ज़्यादा हैं, छोटे हैं इधर, उधर मुर्गियाँ बड़ी हैं साइड पर, इधर कम हैं मुर्गियाँ। जी तो यार अभी हम लोग इसके अंदर आए हैं, देखें जी बाश मुर्गियाँ अंडे शंडे दिए हैं, अभी उठा लिए इन्होंने, नहीं तो भी मैं आपको दिखाता। ठीक है देखते हैं अभी फिर इनको से बात करते हैं, जो फाइनल बात होती है फिर लेते हैं जी। तो यार मुर्गियाँ भी हमें पसंद आ गई हैं, बहुत ही जबरदस्त अच्छी अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं। तो जिस भाई से हमारा रब्ता हुआ था ना, लेकिन वो भी इस टाइम था नहीं इधर, तो फिर हमने रब्ता किया उसे, उन्होंने बोला मैं यार शाम को आऊँगा, तो हमारा फिर प्रोग्राम बना कि आज शाम को नहीं फिर हम लोग कल आएँगे, तो आपसे आकर मुर्गियाँ उठा लेंगे। तो इसलिए अभी कुछ उनके साथ ना मामलात भी होते हैं और भी बातें होती हैं, वो भी करनी थी, तो अभी फिलहाल वो है नहीं, किसी अभी नहीं ले रहे, तो कल इंशाल्लाह लेंगे। चलें जी मान भाई, मैं अभी इस टाइम ना रिजवान के पास आया हूँ, इसने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, तो इसने उधर बताया था कि यार मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये रिजवान की मुर्गियाँ देखते हैं कि इसने कहाँ से ली हैं, तो उधर से भी जाकर ना चेक कर लेंगे वो ठीक हैं या ये वाली ठीक है, तो उसके बाद फिर मुर्गियाँ लेंगे। तो रिजवान भाई ये जी आया हूँ, तो इधर जनाब जी रेस्ट फरमा रहे हैं जी, मुझे मुर्गियाँ दिखाएं। मैं तो ठीक हूँ यार, सोया पड़ा था, उठा दिया। तो यार ये कुछ टाइम होता सोने बाहर, इतना अच्छा मौसम बना हुआ है भाई साहब, आज फिर बना हुआ मौसम, मैं आपको दिखाता हूँ जी। हाँ देखें बादल शादल आ रहे हैं, बारिश का फिर आज इम्कान है। तो भाई साहब अभी रिजवान भाई के साथ जाते हैं जी मुर्गियाँ। चलो भाई रिजवान उठो यार, जल्दी करो। हेलो तो भाई साहब उठो यार, टाइम नहीं है इतना, मैंने जाना है कोर तरफ भी, जल्दी करो। और भाई यार क्या कर रहे हो यार, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। चलो जी चलते हैं जी। चलो जी अब हम जा रहे हैं इनकी छत के ऊपर, ये जिन्होंने छत के ऊपर जी मुर्गियां रखी हुई हैं। आहा स्विमिंग पूल, क्या बात है, नाइस वेल डन। अच्छा जी क्या मानी तो नहीं है अंदर। अच्छा ये हैं जी मुर्गियाँ, वाह क्या सिस्टम बनाया उन्होंने, सारी जाली वगैरह लगाई हुई है ऊपर से भी, देखिए दरवाजा है जी। इनकी मुर्गियाँ मुझे यार छोटी लग रही हैं, बच्चियाँ हैं अभी छोटी छोटी। वो ये तो छोटी नहीं है यार, हैं हम जो देख रहे हैं वो तो यार काफी बड़ी थी, पली हुई थी फुल, वो पली हुई थी। तो यार आप इनको पालो ना, कहाँ से ली थी आप लोगों ने,
जान भाई वो तो बड़ी थी यार जो हम देख कर आए हैं। इसको कक का नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी आप बताएं जी। ये बच्चे सबसे पहले ना बच्चे जी जी बुजुर्गो ये जो दिस मीन कोक एंड ओके ओके दिस कोकर असील यू नो दिस इज माय मियां वाली एज अ गिफ्ट। ओ नाइस, एज अ गिफ्ट के तौर पर फ्री एंड द बाकी ऑल आर परचेजिंग यू नो मीन कॉस्टली। ओ वन पीस इज बट यू गिव मी बट बर्गर वाला नहीं भाई बट यू गिव मी वन कुकर बट मैं अपने गा रहा है दिस वन पीस इज लाइक 950 रुपीस। ओके ओके बट एंड अपना ये ना मेरे इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, ये जो है ना बाकी कुकड़ियां 950 की आई हैं बट वो हमें दे रहे थे यार। बट को अपने घर रहने तो बट को क्यों बुलाते हो बट को यार पैश नहीं बुला रहे हैं तो आए भाई थोड़ी सी ना अभी वाली इंग्लिश हो गई है ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने यार। उधर देख रहे थे वो यार तो मैं थी, लेकिन मेरी बात सुनो यार सही ये वो होंगी ना आपकी अंडे देती थी ना वो तकरीबन 1 kg उनका वेट होगा 1.5 kg ऑलमोस्ट उनका वेट है। अच्छा वैसे फिर में डालते हैं ये ऑलमोस्ट 1 होने वाला ठीक है थोड़ा सा रह गया ना। अच्छा तो 1/2 kg से अबव है तो ये हमें तकरीबन 950 की पड़ी है। ये अब जो इनकी खुराक हमने दी हुई है ना ये है जी ग्रोइंग वाली इनकी ना फीड ग्रोथ जल्दी होती है इनकी वाली है। जब इनकी ग्रोथ हो जाएगी सब अंडे वाली हो जाएंगी तब इनकी जो फीड होगी वो अंडे वाली आ जाएगी सही। तो तब तक ये हमारी ठीक है यार तकरीर ना करो मुझे सीधी बात है ना यार बहुत छोटी लगी है इनका इंतजार कौन कर वो लेकर आए एक दिन रखे दूसरे दिन अंडे शांडे आ जाएंगी उधर से मैंने भी लेनी है आप जहाँ पे देख के तो फिर वो साथ जाने भी लेनी है ना मेरे साथ आप भी आ जाना मिल के जाएंगे कुछ सस्ती मिल जाएगी। चाचू ने भी लेनी है मुझे ऑफर की है 10 मुर्गी साथ आपकी 1 मुर्गी फ्री सच में। हाँ तो आप भी ले लो साथ आऊंगा ठीक है मेरा सेट फ्री बन जाएगा ठीक है। ये एक और बंदा जी हमने तैयार कर लिया है इसको भी साथ ले जाएंगे। कितनी एक तो लेनी है आपने? मैंने तो 10 लेनी थी। हाँ 10 बहुत है फिलहाल भैया ने लेनी है 10 मैंने भी 10 तुमने कितनी लेनी है? ग्राहक गत्ती वाला मशवरा दूंगा जी ग्राहक गत्ती वाला मशवरा दें जी आप अभी ना लो इनकी एक बीमारी आने वाली है बीमारी जब खत्म हो जाएगी ना सर्दी तो आपको फोन आएगा बीमारी का क्या बोला तूने या पता है ना सर्दियों में इनको स्टार्टिंग में होती है तो फिर आपको नहीं आएगी तो आपको करवानी पड़ेगी आपका 2-3 हज़ार उस पे लग जाएगा। नहीं आपको नहीं आएगी बीमारी हम तो अब रखी हुई है हमें करवानी पड़ेगी वैक्सीनेशन। चलो तो हम भी थोड़ी सी बचा देना जो इंजेक्शन होंगे ना वैक्सीन होगी थोड़ी सी बचा दे हम लगा देंगे यार। चलो चलते हैं यार ठीक है यार अभी मुर्गी इनकी भी देख ली है तो अभी कुछ आइडिया हो गया है तो कल फाइनल मुर्गियों को कर लेंगे लेनी है कौन सी लेनी है तो उसके बाद फिर इसके लिए मुर्गियों के लिए उनका घर बनाना है ठीक है जी। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जी नीचे ये देखें जी छत से ये सीन देखें नीचे सामने लोडर पानी वाला आ रहा है तो पानी लोग आप लोग तो पीते नहीं है ना? नहीं नहीं हम ओनली ड्रिंक बियर से वाटर चलें जी। हाँ जी तो यार मैं चला गया था दोस्तों के साथ ना एक जगह जाना था तो काफ़ी टाइम लग गया अभी वापस आया अभी घर भी नहीं यार रिजवान लोग के घर ही हूँ अभी मैं तो मुझे याद नहीं रहा वीडियो बनाई नहीं थी मोबाइल की बैटरी लो थी तो अभी मैं करने लगूँ यार व्लॉग को एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।